हाय, वेलकम टू बॉलीवुड राउंडअप विद नैना ओबेरॉय। और आज मैं आपके लिए एक बारी फिर से लेके आई हूँ तड़कती और भड़कती खबरें। आई हैव टू न्यूज़ टू शेयर, गुड न्यूज़ एंड बैड न्यूज़। आई स्टार्ट विद द गुड वन। हमारे लेजेंडरी अमिताभ बच्चन जी को दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिलने वाला है। उनके करियर के 50 ईयर्स हो चुके हैं और अब वो इस अवार्ड के लिए सिलेक्ट हो चुके हैं। September has been the best month so far of 2019. इस मंथ में तीन films over 400 करोड़ का business कर चुकी है और तीनों के तीनों box office पर super hit declare हो चुकी है। पहली film साहो, प्रभास और श्रद्धा कपूर की, जिसने 424 करोड़ का business किया है and it was declared a hit. Second film छिछोरे, सुशांत सिंह राजपूत and again श्रद्धा कपूर की ये film box office पे काफी धमाका मचा रही है and it's unstoppable. आज भी ये film theaters में चल रही है और हम सब फिर से enjoy कर रहे हैं। थर्ड फिल्म बीइंग ड्रीम गर्ल, आयुष्मान खुराना एंड नुसरत भट्टाचार्य की ये फिल्म जो कि सुपर हिट रह चुकी है एंड ये तीनों फिल्म 400 करोड़ से ऊपर का बिजनेस कर चुकी हैं। अब बात करते हैं अपकमिंग फिल्म्स की। पहली फिल्म आ रही है वॉर 2nd of October को एंड इट्स ऑल सेट टू रिलीज। ये फिल्म में ऋतिक रोशन एंड टाइगर श्रॉफ देखने को मिलेंगे एंड साथ में वाणी कपूर भी होंगे। टाइगर श्रॉफ एंड ऋतिक रोशन जो कि डांस के लिए काफ़ी ज़्यादा माने जाते हैं, ये दोनों इस फिल्म में काफ़ी धमाका मचाने वाले हैं एंड आई एम सुपर एक्साइटेड टू वॉच दिस फिल्म। इसका गाना घुंघरू काफ़ी ज़्यादा हिट हो रहा है एंड रेडियो पर बार बार चलाया जा रहा है एंड ऑडियंस को काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है। और दूसरी फिल्म लाल कप्तान आने वाली है, जिसके दो टीजर्स आ चुके हैं, Chapter 1 and Chapter 2, द हंट एंड द चेज। इस फिल्म में हमें काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस रोल में देखने को मिल रहे हैं सैफ अली खान एंड सोनाक्षी सिन्हा। वी आर सुपर एक्साइटेड टू वॉच दिस फिल्म। इस ट्रेलर से अभी तक हम बता नहीं पा रहे हैं कि कौन से पीरियड की फिल्म है या ये फिल्म किस बारे में है, बट दिस लुक सुपर इंटरेस्टिंग एंड इस मूवी का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा दिलचस्प लग रहा है।
मूवी रिलीज हुआ है हाउसफुल 4 का ट्रेलर, जिसके लिए ऑडियंस काफी ज्यादा वेट कर रही है। ये मूवी रिलीज हुई की 25th of October को। अक्षय कुमार, रितेश देशमुख एंड बॉबी देओल लाए हैं एक बारी फिर से अच्छा खासा धमाका ऑडियंस के लिए। एंड उसके अलावा ये मूवी एक पैरेलल लाइफ दिखाएगी 14, 19 एंड 2019 की, जिसके अंदर दो पीरियड्स देखने को मिलेंगे। जैसे कि पहले एक ऐसी सिमिलर मूवी आई थी तेरी मेरी कहानी, प्रियंका चोपड़ा एंड शाहिद कपूर की। डिफरेंट एक्टिंग करते हैं आप, मतलब अक्षय जी जब बॉबी देओल ये ऐसे तीनों महारानी आपके सामने रहती तब आप ऐसी एक्टिंग निकाल लेते हैं या कुछ वर्कशॉप करना पड़ता है आपको? नहीं, एक्चुअली क्या था कि जब इन्होंने किरदार लिखा है, जब इतने होनहार लेखक इतनी अच्छी तरह लिखते तो एक्टर्स को बहुत कम करना पड़ता है क्योंकि लाइनें इतनी अच्छी होती है, एंड देन दे गाइड यू कि एग्जैक्टली उसको कैसे करना पड़ता है। एंड सो ऑल थैंक्स टू the writing and the director that has helped me do this. आपने कुछ टाइम पहले एक बहुत बड़ा ब्रेक लिया था और उसके बारे में आपने खुल के बात भी की है, तो जब आपने काम रिज्यूम कर लिया है वापस एंड आपको काफ़ी तारीफें भी मिल रही हैं, आपने पर्सनली क्या चेंजेस लाए हैं अपने आप में एज एन एक्टर आफ्टर यू रिज्यूम, लाइक हम कह सकते हैं बॉबी देओल 2.0, व्हाट चेंजेस हैव यू मेड? क्या है कि मेरे साथ जो बैठा मेरा दोस्त अच्छे भैया, इसने जिंदगी में इतनी मेहनत की है और मैं हमेशा सोचता था कि ये इसीलिए इतना सक्सेसफुल है, और बस मैंने अंदर बस एक बात को पैदा किया है कि मेहनत करो ज़्यादा और फिर लोग देखेंगे और काम मिलेगा। तो मैं बस यही कहता हूँ कि आप सबको, यू शुड बिलीव इन योरसेल्फ, पॉजिटिव सोचो फिर काम मिलता रहेगा, और इसीलिए मैं बहुत लकी हूँ कि मेरे इस पॉजिटिव एटीट्यूड को देख के सब ने मुझे इस फिल्म के लिए चूज़ किया, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। बट एंड ऑफ द डे As Akshay said, luck really factors, but you have to do that 30% or 40% of hard work. If you don't do that, that luck doesn't matter then. बॉलीवुड के सुपरस्टार 37 इयर्स ओल्ड के हो चुके हैं। मैं बात कर रही हूँ रणबीर कपूर की, जिनका बर्थडे था 28th of September को। उन्होंने ये अपना बर्थडे अपनी गर्लफ्रेंड आलिया भट्ट, अपनी मदर नीतू कपूर एंड अपनी बहन करिश्मा कपूर के साथ मनाया। उन्होंने ये बर्थडे खाली अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ ही नहीं बल्कि अपने फैंस के साथ भी काफ़ी अच्छे से मनाया। हैप्पी बर्थडे टू रणबीर कपूर फ्रॉम द टैग टीवी फैमिली। जैसे कि मैं पिछले हफ्ते लाई थी बिग बॉस फैंस के लिए काफ़ी बढ़िया न्यूज़ कि बिग बॉस आने वाला है, तो कल बिग बॉस आ चुका है। बिग बॉस 13 आया है एक बहुत बढ़िया धमाके के साथ एंड वो काफ़ी ज़्यादा ट्विस्ट लेके आया है। सलमान खान जी ने अनाउंस कर दिया कि फिनाले एक महीने बाद हो जाएगा। आई एम श्योर कि कुछ ना कुछ ट्विस्ट तो इस बात में भी है, और इस बारी सारे के सारे कंटेस्टेंट सेलिब्रिटीज़ होंगे। द हाउस लुक्स परफेक्ट, सो लेट्स वेट एंड वॉच।
ड्रीम गर्ल हैज बीन अ बिग सक्सेस. उसकी सक्सेस पार्टी में काफी सारे स्टार्स आए थे, जिसके अंदर थे स्वरा भास्कर, मनजोत सिंह एंड तुषार कपूर. वानी कपूर, जिनका डेब्यू हुआ था शुद्ध देसी रोमांस से, शी वॉज लुकिंग ऑल ब्यूटिफुल एंड स्टनिंग इन दैट मूवी. फिर वो कुछ अरसे तक गायब रही एंड फिर वो हमें देखने मिली रणवीर सिंह के साथ बेफिक्रे मूवी से. एंड अब उनकी मूवी आ रही है वॉर. उन्होंने ये बोला कि फेलियर का मतलब खाली वही लोग जान सकते हैं जिन्होंने एक बारी फेलियर देख ली हो, एंड सक्सेस का मतलब खाली वही लोग जान सकते हैं जिन्होंने एक बारी सक्सेस पा लिया. ये काफी ज्यादा डीप बात बोल गई वो. एंड उनसे उनका मतलब था कि जो बंदे को डायरेक्टली सक्सेस मिल गया उनको फेलियर का टेस्ट बिल्कुल भी नहीं पता. सबकी लाइफ में आता है. आपको सक्सेस समझ नहीं आएगा अगर आप फेल नहीं हुए कभी लाइफ में, और फेलियर समझ नहीं आएगा जब सक्सेसफुल नहीं हुए. तो आई थिंक एवरीथिंग गोज हैंड इन हैंड, एंड आई थिंक समझदारी उसी में होती है कि आप किसी चीज़ को बहुत पर्सनली ना लें और बहुत ज़्यादा क्लोजली अटैच ना हो जाए. मेरे बहुत ज़रूरी है टाइम. मैं औरों के टाइम की कदर करती हूँ, और आई थिंक सबका टाइम, यू नो, यू शुड बी रिस्पेक्टफुल फॉर एवरी अदर पर्सनस टाइम. तो हाँ, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जितनी पंचुअल रह सकूँ रहूँ. जैसे कि मैंने बताया कि मेरे पास एक गुड न्यूज़ है और एक बैड न्यूज़. तो बैड न्यूज़ ये है कि विजू खोटे, जिन्होंने बॉलीवुड को काफ़ी ज़्यादा हिट्स दिए हैं, जिन्होंने 440 फिल्म से ऊपर करी हैं, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मेजर रोल किए हैं शोले, अजब प्रेम की गजब कहानी, घातक, फैमिली, वो अब हमारे बीच में नहीं रहे हैं. He died on 30th of September due to multiple organ disorder. और आज हम उन्हें काफ़ी ज़्यादा मिस करते हैं. और ये देखिए उनकी कुछ पुरानी यादें. Thank you.